इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ ही लगातार नए मॉडलों की एंट्री हो रही है। अब काइनेटिक ग्रीन ने घरेलू बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर काइनेटिक जुलू को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है। आकर्षक लुक और दमदार बैटरी पैक से सजे इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 94,900 रुपये एक्स शोरूम तय की गई है। इच्छुक ग्राहक इस स्कूटर को कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि काइनेटिक जुलू इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसकी डिलीवरी अगले साल से शुरू की जाएगी। बाजार में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मुख्य रूप से ओला और एथर जैसे ब्रांड्स के मॉडलों को टक्कर देगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स और तकनीक को शामिल किया है जो कि इसे बाजार में दूसरे स्कूटरों से मुकाबला करने में मदद करेंगे। लुक और डिजाइन की बात करें तो काइनेटिक जुलू में कंपनी ने लेड हेडलैम्प, लेड डे टाइम रनिंग लाइट्स, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑटो कट चार्जर और साइड स्टैंड सेंसर जैसी सुविधाएं दी है। यदि स्कूटर का स्टैंडर्ड नीचे गिरा हुआ होगा तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक लाइट से इस बात का अलर्ट प्रदर्शित होगा। इसके अलावा स्कूटर के अंदर सीट स्टोरेज में भी लाइट दी गई है। काइनेटिक जुलू की साइज, कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इसे तकरीबन हर तरह के रोड कंडीशन में आसानी से दौड़ने में मदद करता है। साइज की बात करें तो इस स्कूटर की लंबाई 1830 mm, ऊंचाई 1135 mm और चौड़ाई 715 mm है। इसका व्हील बेस 1360 mm और वजन 93 किलोग्राम है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है। बैटरी पैक और रेंज, काइनेटिक जुलू इलेक्ट्रिक स्कूटर में की क्षमता का लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल किया गया है जो सिंगल चार्ज में 104 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देता है। ये स्कूटर 2.1 किलोवाट BLDC इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है और इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर की बैटरी को सामान्य 15 एम्पियर के घरेलू सॉकेट से कनेक्ट कर चार्ज किया जा सकता है। दिलचस्प ये है कि ये बैटरी महज आधे घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है। बेहतर राइडिंग और परफॉर्मेंस के लिए इस स्कूटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन और पीछे की तरफ डुअल शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। इसके आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि तेज रफ्तार में भी ब्रेक अप्लाई करने पर संतुलित ब्रेकिंग प्रदान करते हैं। बाजार में इस स्कूटर का मुकाबला मुख्य रूप से ओला S1 और एथर 450S जैसे मॉडलों से है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।